इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ। धरिंदिनी की मासूम बच्ची की हत्या। इंदौर थाना भावरकुआ के अंतर्गत रहने वाली दलित समाज की 6 वर्षीय मासूम बच्ची को मोहल्ले में रहने वाले पड़ोसी निकुल अलोने कल रात को लगभग 8 बजे बहला फुसलाकर बच्ची को अकेले सुनसान जगह पर खंडहर में ले गया। वहां ले जाकर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची द्वारा चिल्ला चोट करने पर आरोपी ने बच्ची के सिर पर फर्शी से हमला कर दिया, जिससे बच्ची का पूरा चेहरा डैमेज हो गया, बहुत ज्यादा खून बह गया था। परिवार द्वारा शिकायत करने पर थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी द्वारा बच्ची की खोजबीन की गई। मोहल्ले में लगे हुए CCTV फुटेज कैमरों के द्वारा आरोपी की पहचान हुई तथा आरोपी द्वारा बताने पर पुलिस बल खंडहर में पहुंचा और बच्ची को वहां से घायल अवस्था में प्राप्त कर बच्ची को एप्पल हॉस्पिटल में एडमिट कराया, परंतु देर रात बच्ची का निधन हो गया, जिससे आक्रोशित होकर दलित समाज ने अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को सूचना दी। परमार अपने सभी पदाधिकारियों के साथ एप्पल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर से बातचीत करने के पश्चात थाना भरकुआ पर पहुंचे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया तथा मांग की गई कि आरोपी को फांसी दी जाए। अपहरण सहित धारा 376 पास को एक्ट धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाए, जिससे इस प्रकरण का निर्णय 3 माह में हो सके और आरोपी का तत्काल जुलूस निकाला जाए, सार्वजनिक रूप से आरोपी का जुलूस निकाला जाए। इस मांग को लेकर संपूर्ण दलित समाज ने भरकुआ थाने के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, जो लगभग 3 घंटे चला। उच्च अधिकारियों की समझाइश पर CSP दिशेश अग्रवाल और थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी के द्वारा समाजजनों को आश्वासन दिया गया कि हम आरोपी को फांसी की सजा दिलवाएंगे और साथ ही आरोपी का जुलूस भी निकाला जाएगा, ताकि भविष्य में किसी और बहन बेटी या बच्ची के साथ इस तरह का दूषित कर्म नहीं हो। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के पश्चात परमार ने पदाधिकारियों और समाजजनों के साथ धरना प्रदर्शन समाप्त किया। इस मौके पर मुख्य रूप से कमल शिंदे, रघुबलाई, लक्ष्मण खेड़े, अरविंद फूलमाली, सचिन कोचले, पप्पूजी कोचले, रोहित आंजना, वीरेंद्र सालवी, सोनू कौशल, गोलू सावले, रामेश्वर सोलंकी, मिलिंद मालवीय, राजा वानखेड़े, राजेश फूलमाली, शुभम निर्मल, सावन गोयल, संतोष अलाने सहित सैकड़ों की संख्या में समाजजन उपस्थित थे। इंदौर से अतुल बोपटकार की रिपोर्ट। और सुनसान जगह जंगल में खंडहर में उसके साथ दुष्कृत करने का बालिका के साथ दुष्कृत करने का प्रयास किया और विरोध करने पर उसके फर्शियों से पत्थरों से सिर मार के मार करके पूरा सिर डैमेज कर दिया, चेहरा डैमेज कर दिया और उसकी हत्या कर दिया। कल जब थाना प्रभारी भवनपुआ के द्वारा आरोपियों को पकड़ लिया गया है और बच्ची को जो है एप्पल हॉस्पिटल लेकर वहाँ इलाज रख दिया। देर रात बच्ची का निधन हो गया, जिससे आक्रोशित होकर दलित समाज ने आरोपी की फांसी की मांग करी है। हम तो 2-4 जगह अपना नंबर डालवा देते, फोन करें मेरे को, लोग इसलिए फोन नहीं करते। अरे मुझे फोन करें, बस किसी से नहीं, मुझे अकेले। और एक मामले फांसी करा चुका हूँ कटनी में, एक फांसी जी तो एक में फांसी करा चुका हूँ, करेंगे पर सब लगेगा अमानवीय घटना है, क्योंकि एक व्यक्ति पड़ोसी में भी भरोसा करता है, घर के दूर का रिश्ते का भी है, तो बच्ची बेचारी हंसी खुशी जा रही, उसे नहीं भरोसा क्या। और इसने जिस प्रकार से घटना की, सिर कुचला हुआ छोड़ा ले जाके, वो तो जल्दी पहुंच गया, देख उम्मीद बंधी की बच जाएगी, अगर नहीं देख पाते रात को बोल सकते वक्त बड़ी बड़ी खत्म हो जाती। बच्ची छोटी थी, ब्लड ज़्यादा बह गया और उसके फ्रैक्चर भी होते सिर में। अब इसमें हम लोग 307 इंजोवर कायम किया था, 300 तो बढ़ गई है। मर्डर है और जघन्य, तो वरिष्ठ अधिकारी हमारे जो चिन्हित में भी रखेंगे और हमारे प्रयास को सख्त से सख्त से सजा मिले। और इसमें हम साक्ष्य जो हमारी चीज़ें हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य अनुसंधान द्वारा इकट्ठे हम लोग करेंगे, CCTV फुटेज वगैरह भी हैं, इससे ऐसा कि जिससे इसको कोई लाभ ना मिले, कहीं बचत इसकी ना हो पाए और सख्त से सख्त इसको हम कार्रवाई करें, सजा देंगे। आप मैं PI इंद्रेश त्रिपाठी थाना प्रभारी हूँ। देख रहे हैं
इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।